हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है माउंटेनियरिंग के सेशन में काफा हिल के यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखेंगे मिडिलमैन नॉट बनाना। वो दो तीन तरह से बनाए जाते हैं, मैं आपको सिर्फ आज एक तरीका आपको शेयर करूँगा, जो कि ज़्यादातर क्लाइंबर्स उसी को यूज़ करते हैं और बहुत आसान रहता है वो, इसलिए उसको यूज़ करते हैं। तो मिडिल कोई एक रोप का, ये रोप है एकदम मिडिल पे आ जाता है, लंबी रोप है काफ़ी, हम इस मिडिल पे इसको लगाते हैं। आपको एक इस तरह से लूप बनाना होता है, लंबा सा लूप करना है और एक थंब नॉट आप यहाँ पे लगा लें, कसना नहीं है और एक थंब नॉट लगा दो, इसे थंब नॉट बोलते हैं, ये लगा दो और इस लूप को आप अपने बॉडी के अंदर ले लो रिस्ट में। इस लूप को आप छोटा कर लो आपकी रिस्ट के हिसाब से, ये है मिडिल मैन नॉट। एक क्लाइंबर यहाँ पे है, एक अगर चाहें तो आप यहाँ पे भी एक क्लाइंबर को अटैच कर सकते हो, एक क्लाइंबर यहाँ पे हो जाएगा, फिर एक क्लाइंबर हो, और जितने आपकी टीम पे क्लाइंबर हैं सब लोग इस तरह से एक एक थंब नॉट लेंगे और तो ऐसे सारे क्लाइंबर्स एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे। ये इतने क्लोज पे नहीं होंगे, कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस, 8 फीट की डिस्टेंस पे एक क्लाइंबर को रखना होता है, 6 फीट 8 फीट, वो डिपेंड करता है टीम साइज़ क्या है, आपका रोप क्या है, कैसा टेरेन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो डिस्टेंस है एक क्लाइंबर से दूसरे क्लाइंबर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 6 फीट रखना ही रखना होता है, और 6 फीट से ज़्यादा भी रख सकते हैं बट 6 फीट से कम आपको नहीं रखना है। तो ये मिडिल मैन नॉट है।